मोमेंट है सर, उसके साथ साथ आपको इमोशन ज्यादातर एक्शन है। अक्षरा जी, सुजानगढ़ की अगर मैं बात करूँ, सुजानगढ़ बहुत लोग कह रहे हैं, किसी ने मुझे आके कान में शायद बताया कि मगा धीरा जैसी फिल्म होगी, क्या आ सकते हो ऐसी फिल्म होगी? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के सब्जेक्ट में बहुत अलग हटके है स्टोरी, और अगर अच्छे से बन गई तो शायद बहुत अच्छी फिल्म बन गई। उस फिल्म में भी बेहतर थी, उस फिल्म में भी बेहतर। सामने लो भैया, सर सुनो, आप दोनों के बीच में किस तरह की इक्वेशन रहती है जब आप एक साथ काम करते हैं, किस तरह की बॉन्डिंग रहती है? उस बारे में बॉन्डिंग हमारी काफ़ी अच्छी है, सब लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी है। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी, एक अच्छे गुड हार्ट है इनके पास, और भाई भी है, भाई नेचर बहुत ही अच्छी है, और काम करके बहुत अच्छा लगता है इनके साथ हम लोग। अक्षरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह की बॉन्डिंग है आप दोनों की और कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम हम लोग काम कर रहे थे, बट बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनी, वहाँ से ही हम लोग फ्रेंड की तरह काम किए, और फिर अभी ये अगली फिल्म है, होपिंग फॉर द बेस्ट कि अच्छे से काम करें और हमारी केमिस्ट्री को भी लोग पसंद करें। अदिति जी, मुबारक हो, आप सिंगर से एक्ट्रेस बन रही है अब, मतलब एक्टिंग अब शुरू, एक्टिंग वाला करियर शुरू हो रहा है, खुश तो बहुत होंगी आप? अविनाश जी, आप बताइए जरा आप इसके बारे में, और कैसे ये पूरा कारवा कैसे बना? तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एक अच्छी फिल्म बनाई है, और ये फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई अश्लीलता नहीं, लैंग्वेज पे भी पूरा हम लोग ध्यान दिए हैं ताकि अश्लीलता बिल्कुल न रहे, और बाकी कहानी बहुत अच्छी है। कैसे चुनाव हुआ जब पहले दोनों ने साथ में काम किया, लेकिन इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए आपने कैसे सोचा कि रितेश और अक्षरा को साथ में होना चाहिए? इनका भी काफ़ी मार्केट लेवल बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो हम लोग ने सोचा, डिसाइड किया कि रितेश भैया और अक्षरा मैम को ही लेकर साइन किया जाए, पब्लिक में इनका क्रेज भी है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया। मैं आपके प्रोड्यूसर साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ, सर जरा बताइए, एक फिल्म बनाई जाए, नाम सुजानगढ़ रखा जाए, हीरो रितेश जी रखे जाए, हीरोइन अक्षरा जी रखी जाए, बाकी की टीम बनाई जाए, ये कैसे ख्याल आया? यही टीम होनी चाहिए आपकी फिल्म की, और सेंटर में देखिएगा जी सर, ये हमारे डायरेक्टर हैं। अच्छा, आप डायरेक्टर, सॉरी मुझे बताया नाम ने गलत अच्छा हीरो भी है, अच्छा ड्यूअल पर्सनैलिटी, अच्छा तो अब हम प्रोड्यूसर वाले सवाल का जवाब दीजिए, अब प्रोड्यूसर वाले सवाल का जवाब, पहले तो हीरो वाला सवाल पूछा था, अब प्रोड्यूसर वाला सवाल पूछ रहा हूँ, सुजानगढ़ का ख्याल कैसे आया कि एक फिल्म बनाई जाए सुजानगढ़ जिसमें आप प्रोड्यूस करें? बाकी अक्षरा जी हीरो, रितेश जी हीरो, ये एक एक्शन मूवी है, बाकी हम लोग चंदन जी से बात हुई हमारे डायरेक्टर साहब से, तो यही पूरा कहानी का ये हम लोग को बताइए कहानी है, इसीलिए हम लोग इस पर डिसाइड करके अब आपको डायरेक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, सर कब तक फिल्म शुरू हो रही है, कहाँ शूट करेंगे और कब तक आ जाएगी फिल्म? बोले तो आप तमाम एक्शन मूवी है, एक्शन मूवी है, एक्शन लव स्टोरी फिल्म है, और हम लोग दुर्गा पूजा बाद इसको शूट कर रहे हैं कलकत्ता में, वहाँ पे आपने टाइम पहले एक सवाल किया मकदीरा टाइप का, भोजपुरी में मकदीरा टाइप का नहीं लेकिन बहुत अलग चीज़ है, हमारा जो प्रयास है
जैसे भी अश्लीलता के ऊपर, अश्लीलता में जो डायलॉग्स थे, लैंग्वेज है, सारी चीज़ों को देखते हुए और बहुत ही अच्छे मतलब एक एक्शन लव स्टोरी जो फिल्म होता है उस टाइप की कहानी तो 500 साल पुरानी है, चित्तौड़गढ़ की कहानी है और हम लोगों ने बहुत उसको लेटेस्ट तरीके से न्यू जनरेशन के हिसाब से कहाँ शूट करेंगे? कलकत्ता में शूट करेंगे। अच्छा, कोई खास हो जाए कलकत्ता में शूट करने उस टाइप का लोकेशन। कब तक फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी? कब रिलीज होगी? हमारी शूटिंग कर ले वाला भैया जन्नत जी बात करें मुख्य हीरो हीरोइन रितेश जी है, अक्षरा जी है, इनके साथ में दो नए चेहरे भी लॉन्च करने के प्लान है, क्या कहना चाहिए? चेहरे तो लॉन्च होंगे तो ही अच्छा रहेगा ना। ऐसा है कि दोस्त का गेटअप है, दोस्त का कैरेक्टर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आदित्य राज जी मेरे साथ दूसरे फिल्म में काम करेंगी, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले कौन से फिल्म है? इसमें कितना दम जो रितेश जी साथ में। आदित्य जी कुछ आप गा के सुनाना चाहती हैं ऑडियंस को? जी बिल्कुल, हमें हिंदी भी समझते हैं, हम सुनना चाहेंगे। चलिए जी, कुछ इमोशनल हुए आप? अरे नहीं, बिल्कुल इमोशनल तो हमेशा कनेक्ट कर देते हो, मुझे इमोशनल क्यों कर देते हो? नहीं, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, गाना भी आया बहुत अच्छी आवाज है। सैड सॉन्ग मतलब अक्षरा सिंह क्या? यस, ऐसा ही और सैड सॉन्ग सुन के जो सैड हो जाए वो भी अक्षरा सिंह। चलिए कुछ तो सुनाइए आप भी, आप गाते अच्छा है। भोले बाबा का भोले बाबा राम जी की फरमाइश है, भोले बाबा। अभी एक सोलो सॉन्ग जो गाया था ससुरा से भाग गए, बहुत ही प्यार, बहुत ही आशीर्वाद दिया। मेरे एल्बम में रितेश जी से भी मैंने बोला एक गाना गाने, वो भी रिलीज हुआ, उसपे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड वो एक लाइन सुनाते हैं। अगर आप दोनों डुएट गाते हो गाना तो गाना बेहतर होगा। यस, बाद में आपके लिए गवाने की जरूरत नहीं। चलिए मधुरा के हो के पागल बनावे बगियों करे ऊपर बहुत ही बोली बोला जी पर बहुत ही तोहरो महाराही गाइल माती पर बहुत तोहरो महाराही गाइल माती। अक्षरा जी, इसके अलावा आप जब भी फेसबुक पे लाइव आती है तो आप अपना इमोशनल जाहिर करते हैं सबके सामने, तो आपको मतलब जो पब्लिक का आपको रिस्पांस मिलता है उससे कितने खुश हैं आप और क्या कहेंगे उस बारे में जिस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है इस समय? मुझे दिल से मैं सिर्फ और सिर्फ नमन करती हूँ मेरी जितनी भी ऑडियंस है, जितने लोग हैं, बिकॉज इन लोगों का मोटिवेशन रहा है मेरे साथ और मेरे साथ सपोर्ट रहा है जिसकी वजह से आज अक्षरा सिंह खड़ी है और उम्मीद है कि इसी तरीके से आजीवन आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे। बट आपको लगता है कि बड़े स्टार्स जो है इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं अभी इस समय उस बारे में? आई डोंट हैव एनी कमेंट्स रिगार्डिंग दिस और मुझे लगता है कि उचित भी नहीं होगा कमेंट देना। रितेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा तो आप मानते हैं कि बड़े स्टार्स जो है डोमिनेट करते हैं इंडस्ट्री को, आप भी एक स्टार है इंडस्ट्री के, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इस
बात सुना के हैं तो वही अच्छे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। हमारे सारे अक्षर से बहुत अच्छे हैं, हमारे भोजपुरी अच्छे मुकाम पर भोजपुरी को लेकर आ गया। जितने भी हमारे भोजपुरी के एक्टर हैं एक्ट्रेस सब लोग इसी दिशा में कार्य करते हैं, थोड़ा बहुत सारे मिले बराबर वैसा ही कंडीशन है हमारे अंदर। बात करें अदिति जी सिंगर से एक्ट्रेस बनोगे क्या करना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई, जैसा कि मैं अदिति को छोटी बहन कहता हूँ हर जगह, तो इस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा। एक्ट के लिए मेरे सिंगिंग से एक्टिंग में बहुत ही अच्छा कर साथ में विक्की जी भी करियर शुरुआत कर रहे हैं। अनिल विश्वकर्मा जी हैं, इधर है क्या भाई? अनिल जी, और अनिल जी मुझे खुशी हो रही है कि आज रितेश जी को और अक्षरा जी को लेके एक अच्छी जोड़ी को लेके मतलब मैं काम कर रहा हूँ, कुछ अलग करने की जज्बा रखता हूँ हमेशा। साथ में हमारे बड़े भैया उमेश भैया एकदम टाइगर शेर विलन, बहुत सारा प्यार मिलता है। आप लोग जो प्यार देते हो हमेशा देते रहिए, चंदन सिंह है तहे दिल से। सर आप क्या कहना चाहेंगे एज अ विलन और किस तरह का किरदार होने वाला है, अगर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को? सुजानगढ़ जो फिल्म है ये बहुत ही पसंदीदा किस्म की फिल्म है। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर, और ये फिल्म सुजानगढ़ जो है बड़ी अच्छी फिल्म बन रही है। अनिल विश्वकर्मा जी ने लिखा है, चंदन जी छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लग चुके हैं और ये बड़ी इनके लिए बहुत चैलेंजिंग फिल्म है। ये फिल्म अपने आप में एक इनके लिए समझ लीजिए कि कंपटीशन है, ये अलग किस्म की फिल्म है। मतलब जैसे मैं नहीं बोलूँगा कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो ये हटके है दुनिया से, लेकिन हाँ ये है कि इनके लिए बहुत चैलेंजिंग फिल्म है, इनके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा इस फिल्म में, तब जाके इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक। एज अ विलन आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं आप अपने रोल के लिए, किसको ध्यान में रखने वाले, कोई इंस्पिरेशन या कुछ बारे में? बस ध्यान में तो सिर्फ मैं अपने महादेव को रखता हूँ, बाकी जो भी आता है उनके पी लेता हूँ, गूगल देता हूँ, जनता आशीर्वाद देती है।